सेक्स के बाद मूड चेंज होना, डिप्रेशन आना या नींद आना ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कहता है सेक्स ये एक फिजिकल एक्टिविटी है, उसमें हमारी ऊर्जा जलती है, कैलोरीज बर्न होती है। तो नेचुरली बहुत लोगों को जिनको ज़्यादा एक्सरसाइज करने की, व्यायाम करने की आदत नहीं है, उनको सेक्स करने के बाद में थकान आती है, क्योंकि वो एक एक्सरसाइज ही है, और उसके बाद में उनको नींद आती है और वो सो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो नींद के लिए सेक्स करते हैं कि नींद अच्छी आती है इसलिए सेक्स करना है करके, और उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि सेक्स करते हैं और मुंह पलट के सो जाते हैं। औरत का क्या हो गया, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है और बाद में झगड़े चालू होते हैं, क्योंकि आफ्टर प्ले करते नहीं है। तो आफ्टर प्ले करना, आउट प्ले करना जरूरी है। कुछ लोगों को डल क्यों लगता है या अच्छा क्यों नहीं लगता, क्योंकि एक उनका साइकोलॉजिकल ब्लॉक है कि सेक्स मतलब बुरा, सेक्स मतलब अच्छा नहीं है, सेक्स ये गंदा है, ऐसे विचार जिनमें हैं, जिनके दिमाग में चलते रहते हैं, और वो एक करना करके, एक धर्म करके करते हैं सेक्स, तो उनको गिल्टी फीलिंग लगता है और उनको अच्छा लगता नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे नहीं, हमारे 2 बच्चे हो गए अब सेक्स क्यों करना है वगैरह वगैरह भी है। कुछ ऐसे कम्युनिटी है या कुछ ऐसे कल्ट है कि जिसमें वो बोलते हैं कि नहीं नहीं पति पत्नी ने सेक्स करना ही नहीं है, पति पत्नी है तो उन्होंने बहन भाई जैसा रहना है, मतलब सेक्स करने के लिए वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मना ही करते हैं, तो फिर सवाल ही नहीं आता। उसमें तो बहुत ज़्यादा गिल्ट है वो सेक्स करते हैं तो उसकी वजह से फिर उनको अच्छा नहीं लगता सेक्स किया तो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अंदर से बॉडी चुप नहीं रहने देती, बॉडी से अंदर से उफाल आता है और बाद में वो सेक्स कर लेता है और बाद में गिल्टी लगता है। कुछ लोगों को सेक्स करने के बाद में मूड चेंजेस होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि डोपामिन जो है वो उसकी मात्रा सेक्स करने के बाद में कम हो जाती है। सेक्स की इच्छा जब होती है, सेक्स की डिज़ायर होती है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा आती है डोपामिन की। सेक्स हो गया एक बार, इजैकुलेट हो गया कि डोपामिन कम हो जाता है, जैसे ही डोपामिन कम हो गया तो मूड डाउन हो जाता है, उनको डिप्रेशन आता है या डलनेस लगता है। तो डोपामिन की मात्रा से भी लोगों को ऐसा होता है, और डिप्रेशन क्योंकि साइकोलॉजिकल ब्लॉक है या एक्सरसाइज हो गई करके नींद आती है। इन शॉर्ट कुछ भी हो जाए, इंटरकोर्स होने के बाद में आफ्टर प्ले जरूर करो। आफ्टर प्ले करने से आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है और वो नेक्स्ट प्ले में ज़्यादा रुचि लेंगे। आपका पतन होने के बाद में आपका ये फर्ज बनता है कि आपके पार्टनर को क्लाइमैक्स हुआ क्या, ऑर्गेजम हुआ कि नहीं हुआ, कि उनका होने का बाकी है और आपका हो गया और वो इनका हुआ नहीं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, उनका भी होना जरूरी है। तो आपने फिर उस तरह का सेक्स करना है कि उनका पहले हो जाएगा और आपका बाद में होगा। तो आपको मूड चेंज हो, डिप्रेशन हो जाए या गिल्टी हो जाए या नींद आ रही है, कुछ भी हो जाए, सेक्स करने के बाद में आफ्टर प्ले करो और बाद में जो भी करना है करो, ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।